अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसजी किचन। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही मजे की चिकन पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मजे की ये रेसिपी तैयार होती है और बहुत ही इजी वे है इसका बनाने का। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हम इसमें शामिल करेंगे और मजेदार हमारा चिकन पकौड़ा तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने एक बोनलेस हाफ के जी चिकन लिया है। इसमें हम 2 अदद अंडे ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, नमक हसबे ज़रूरत, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अब हम इसे हाथ के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला बहुत अच्छे से लग चुका है, अब हम इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। जैसा कि फ्रेंड्स 1 घंटा हो चुका है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब मैं 1 बाय 1 एक एक चिकन का पीस उठा रही हूँ और इसे फ्राई करने के लिए अंदर डाल रही हूँ। लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे, हाई फ्लेम पे इसे हम नहीं पकाएंगे। बहुत ही मज़े का ये चिकन पकौड़ा हमारा तैयार होगा। जैसा कि फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट हुए हैं, उसका कलर बहुत ही प्यारा आ गया है, लेकिन अब हम इसे थोड़ी सी देर और फ्राई करेंगे ताकि जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद हम इसे डिश आउट कर देंगे। माशाल्लाह से फ्रेंड्स कलर बहुत ही प्यारा आया है, अब हम इसे डिश आउट कर देंगे और ये परफेक्ट पक चुका है। फाइनली फ्रेंड्स माशाल्लाह से हमारे चिकन पकौड़ा की रेसिपी तैयार हो चुकी है। जैसा कि आपने देखा, ये बहुत ही इजी वे है इसका बनाने का और ये बहुत ही मज़े का ये बनता है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके चिकन पकौड़ा की रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।